हाय तो भाई बहुत ही ज्यादा रिक्वेस्ट आ रही है अतरंगी रे एल्बम का रिव्यू करवाने के लिए। कर देंगे यार, एक बार जूक बॉक्स आ रहे तो कर देंगे यार। अबे आ गया है, अबे पता है, जस्ट पुलिंग योर लेग्स। ओके, लेट मी गिव यू माय फर्स्ट इंप्रेशंस अबाउट दिस एल्बम। टू बी ऑनेस्ट, फर्स्ट इंप्रेशन तो ये है कि टी सीरीज ने एक्चुअली एक ऐसी एल्बम रिलीज कर दी है फाइनली जिसमें कोई रीमेक सॉन्ग नहीं है। और गाइस गेस करो ये किसकी वजह से हुआ है? ऑब्वियसली ए आर रहमान की वजह से, क्योंकि ही इज द म्यूजिक डायरेक्टर ऑफ दिस एल्बम। और इस एल्बम के लिरिसिस्ट हैं इरशाद कामिल जी, एंड दिस एल्बम कंसिस्ट्स ऑफ सम ऑफ द ग्रेट सिंगर्स ऑफ दिस एरा। भाई तो बढ़ते हैं गानों की तरफ विदाउट एनी फर्दर। एक मिनट, मैं कुछ भूल रहा हूँ क्या? ओह या तौबा भाई प्लीज। यार एक तो समझ में नहीं आता स्टार्ट कैसे करूँ। वेट, लेट्स बी वेरी रैंडम। ओके, म्यूजिक के बारे में अगर बात करते करते आप थक गए हो तो चलिए थोड़ा सा मोबाइल में गेम्स खेल लेते हैं। और गेम्स खेलते खेलते आप थक जाओगे, लेकिन विंजो पर गेम्स खत्म नहीं होने वाले हैं, क्योंकि यहाँ है क्रिकेट, लूडो, फ्रूट फाइटर, शीप बैटल जैसे 70 से भी ज्यादा गेम्स। यू नो, जैसी स्किल्स वैसे गेम्स। तो खेलो और जीतो लाखों के कैश रिवॉर्ड्स, और डायरेक्ट विड्रॉ करो पेटीएम, यूपीआई या फिर बैंक में। सिर्फ गेमिंग ही नहीं, यहाँ पे शॉपिंग भी कर सकते हैं। विंजो स्टोर पे मिलते हैं एसफॉल्ट, फ्री फायर, माइनक्राफ्ट जैसी गेम्स के करेंसी सबसे सस्ते दाम पर। और बिग बाजार, डोमिनोज, मिंत्रा, हॉटस्टार, गाना जैसे बड़े बड़े ब्रांड्स के डिस्काउंट कूपन्स भी यहाँ पे आपको मिल सकते हैं। और इतना ही नहीं, रोज विंजो स्पिनर घुमाने पे जीतो रिवॉर्ड्स रोजाना, और 10 दिन लगातार स्पिन स्ट्रीक बनाकर जीतो बाइक, स्मार्टफोन और वीकली जैकपॉट अप टू 25 लाख। अब विंजो पर इतना कुछ है बताते बताते बटाटा बन जाऊंगा, तो प्लीज डाउनलोड करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, खुद जाके ट्राई करो और एक्सपीरियंस करो, या मेरा काम खत्म। वेल, इस जूक बॉक्स का पहला गाना है गर्दा। गर्दा उड़ा दिया भाई साहब इस गाने ने तो, सच में। फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस सॉन्ग इज हैविंग एन एआर रहमान लेवल ऑफ म्यूजिक अरेंजमेंट, तो उसी ने किया। या भाई साहब, द अरेंजमेंट ऑफ दिस सॉन्ग, द म्यूजिकल अरेंजमेंट इन दिस सॉन्ग, द परकशंस, द हॉर्न सेक्शन, द गिटार्स, द स्ट्रिंग्स, कोरस इज देयर, मतलब फुल ऑन ऑर्केस्ट्रा है भैया यार। इतना सब कुछ भरती है गाने में, और तो और दिलेर मेहंदी जी के वोकल्स में इस गाने में। एंड यू गाइस नो हाउ पावरफुल दिलेर मेहंदी इज इन सिंगिंग, ऑब्वियसली आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट हिज फाइटिंग। मैं सच बता रहा हूँ, जैसे ही मैंने जूक बॉक्स का ये पहला गाना चलाया, जैसे ही गाने के मतलब पहले नोट्स चालू हुए, जैसे ही पहला सुर लगा गाने का, जो इंस्ट्रूमेंट सुनाई दिए, वो सुन के मेरे चेहरे पे एक खुशी आ गई, एक मतलब स्माइल सी आ गई मेरे चेहरे पे कि या दिस इज व्हाट वी वेटेड फॉर, दिस इज द काइंड ऑफ म्यूजिक प्रोडक्शन वी वेटेड फॉर। फाइनली हमें वो सुनने को मिला, एंड आई न्यू दैट ये एल्बम कुछ अच्छी होने वाली है। फाइनली इंस्ट्रूमेंट को सुन के ही पता लग गया था ये चीज। सो द परकसिव एंड द ऑर्केस्ट्रल अरेंजमेंट इज द की हाईलाइट ऑफ दिस एल्बम। इस पूरी एल्बम में मतलब ये एक हाईलाइट रही है कि अरेंजमेंट इतना खास तरीके से किया गया है इस पूरी एल्बम का, और इस गाने का भी। ऑब्वियसली बात करें अगर हम इस गाने की कॉम्पोजिशन की, तो बहुत ही एक इंटरेस्टिंग कॉम्पोजिशन है। इट्स कैची, एनर्जेटिक, पेपी और मतलब मस्ती भरा गाना है ये। और दिलेर मेहंदी जी की आवाज के साथ साथ हमें कुछ कुछ जगह पे नवाज भाई भी सुनाई दिए हैं, लेकिन ये नवाजुद्दीन सिद्दीकी की स्पेलिंग गलत लिखी हुई है यहाँ पे भाई साहब। आप सच बता रहा हूँ, आप खुद सुन के देखो यार, आप खुद सुन के देखो, डिट्टो नवाजुद्दीन सिद्दीकी की आवाज है। साला गर्दा उड़ा दिए, अरे गर्दा उड़ा दिए बेटा, गर्दा उड़ा दिए, सबका गर्दा उड़ाए करे तेरा फैजल। और इस गाने के एंड में एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से वायलिन सेक्शन की हार्मनी को यूज किया गया है। बहुत मतलब ये एक ऐसी चीज है, ये अगर कोई बंदा बहुत ज्यादा सोच समझ के म्यूजिक बनाता है, बहुत ज्यादा पैशनेट है अपने म्यूजिक के बारे में, तो ही वो बंदा ये चीज कर सकता है जो इस गाने में ये की गई है। This is what I'm saying, guys. आजकल के एरा के बारे में मेरी यही शिकायत रहती है कि यही क्रिएटिविटी, यही एफर्ट्स, यही जो नई चीजें सुनाई दे रही हैं इस गाने में, यही चीजें तो मिसिंग है आजकल के म्यूजिक में, यही एफर्ट्स तो मिसिंग है आजकल के म्यूजिक में। बट एनी हाउ, हमें बहुत ही अच्छा पेपी सॉन्ग सुनने को मिला काफी दिनों के बाद। अरेंजमेंट वगैरह सब कुछ देखा जाए अगर, सिंगिंग, लिरिक्स, कॉम्पोजिशन, प्रोडक्शन, सब कुछ ही फाड़ू, मजा ही आ गया। मतलब अगला गाना है चकाचक। नहीं, ये वीडियो किसी बर्तन मांजने वाली टिकिया से स्पॉन्सर्ड नहीं है। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग सॉन्ग टू बी ऑनेस्ट। अगर लिरिक्स की तरफ देखा जाए, लिरिक्स मेरे हिसाब से लिरिक्स आर द की हाईलाइट ऑफ दिस सॉन्ग। जिस सिचुएशन पे बेस्ड है गाना, यहाँ पे ये हो रहा है कि जो फीमेल लीड है वो हीरो को
अट्रैक्ट कर रही है अपनी तरफ, आकर्षित कर रही है। यूजुअली बॉलीवुड में होता उल्टा है, बट यहाँ पे ऐसा हो रहा है। वेरी सरप्राइजिंग एंड वेरी गुड टू सी दैट। जिस सिचुएशन पे ये आधारित है, जो मैसेज ये कन्वे करना चाह रहा है गाना, उस हिसाब से लिरिक्स को बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा गया है इस गाने में। इरशाद कामिल जी, हैट्स ऑफ टू यू, बहुत ही सुंदर तरीके से, मतलब बिना किसी वल्गैरिटी और फालतू की चीज के। नॉटीनेस है, नॉटीनेस अलग चीज होती है, वल्गैरिटी अलग चीज होती है। जब हम ये लिमिट क्रॉस कर देते हैं वल्गैरिटी वाली, तो गाना थोड़ा हो जाता है, समझ रहे हो। दिस सॉन्ग इज हैविंग सम होलसम लिरिक्स, अगर सिचुएशन को देखा जाए तो। सो या, वेरी वेल डन सॉन्ग, दिस इज अकॉर्डिंग टू द लिरिक्स। और अरेंजमेंट की अगर बात करें तो अगेन बहुत ही अच्छे तरीके से रिदम पे ध्यान दिया गया है। एआर रहमान साहब, मतलब जब बना रहे होंगे इस गाने का अरेंजमेंट, इस गाने का अरेंजमेंट जब कर रहे होंगे, तो उन्हें मतलब स्टूडियो में जितने भी बजने लायक वाद्य यंत्र दिखे, जितने भी परकसिव इंस्ट्रूमेंट्स उन्हें नजर आए स्टूडियो में, उन्होंने कहा सब बजाओ, सब पर डालो, सब डाल दिया गाने में। साउथ इंडियन से लेकर, नॉर्थ इंडियन से लेकर, राजस्थानी से लेकर, रिदम तो भैया फोक, राजस्थानी फोक रिदम हमें सुनाई दे रहा है इस गाने में। रिदम में बहुत ज्यादा डिटेलिंग दी गई है, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स यूज किए हैं, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट सुनाई दे रहे हैं। और मेलेडी में भी काफी इंस्ट्रूमेंट सुनने को मिल रहे हैं, शहनाई, फ्लूट, बहुत कुछ है, बहुत कुछ सुनने को मिल रहा है, हॉर्न्स, बेस भी सुनने को मिल रहा है, यू नो एवरीथिंग इज वेरी डिटेल्ड। इतना तो एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं हम रहमान साहब से। सो ओवरऑल दिस इज अ वेरी गुड सॉन्ग, एंड व्हाट मेक्स दिस सॉन्ग इवन मोर स्पेशल इज द अमेजिंग वोकल्स ऑफ श्रेया घोषाल जी। हर बार की तरह शी हैज अमेजिंगली एक्सप्रेसिवली संग दिस सॉन्ग, बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्रेस किया है, बहुत ही अच्छे तरीके से फील करके हमेशा ही वो गाती हैं। जस्टिस है भैया कॉम्पोजिशन को। सो अगेन वेल डन सॉन्ग। और लिरिक्स सेक्शन में एक और मैं बात बताना भूल गया कि मतलब कुछ कुछ जगह में कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं रहमान साहब के गानों में, और ये होता है कि कुछ वर्ड्स ऐसे लगते हैं कि जो मतलब अजीब लगते हैं सुनने में, अनसेटिस्फाइंग लगते हैं थोड़े से कॉम्पोजिशन में, मतलब वो राइम नहीं बनती या कुछ नहीं बनती। ये गाने ऐसे होते हैं कि स्टार्टिंग में आपको अजीब लगेंगे, फिर कुछ दिन बाद अगर आप सुनते रहेंगे, कुछ देर तक इन्हें सुनते रहेंगे, तो आपको यही लिरिक्स अच्छे लगेंगे इन गानों में, और कुछ भाएगा ही नहीं आपको, भले ही वो कितना सही रहो। सो दिस काइंड ऑफ लिरिक राइटिंग इज देयर इन ए आर रहमान साहब्स सॉन्ग्स। अगला गाना है तेरे रंग, एंड वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल सॉन्ग दिस इज, व्हाट अ ब्यूटीफुल कंपोजिशन दिस सॉन्ग हैज। ऑब्वियसली इस गाने में एक क्लासिकल टच है, और ये किसी राग पे बेस्ड है, और मुझे ऐसा लगता है कि मैं ये कॉम्पोजिशन, इस कॉम्पोजिशन का थोड़ा पार्ट कहीं पे सुन चुका हूँ, ऐसा लगता है मेरे को, क्योंकि ये बहुत ही या तो कॉमन राग पे बेस्ड है। मेरे को राग नहीं पता भाई, मेरे को माफ कर दो, इतना क्लासिकल ट्रेंड नहीं हूँ कि मैं रागों का नाम बता सकूँ, बहुत ज्यादा कोई क्लासिकल नहीं भरा हुआ है, बट देर इज लिटिल क्लासिकल इन्फ्लुएंस देयर। और भाई साहब म्यूजिक अरेंजमेंट की बात, मैं इस एल्बम में अरेंजमेंट्स की बात करते करते थकने नहीं वाला हूँ सच में, इतना डिटेल्ड म्यूजिक अरेंजमेंट किया है यार इस गाने में, इतने सारे इंस्ट्रूमेंट्स भरपूर। एक ग्लोइंग वाइब है इस गाने के म्यूजिक अरेंजमेंट में, एक चमक है इस गाने के म्यूजिक अरेंजमेंट में। ऑर्केस्ट्रल इंस्ट्रूमेंट्स का किस तरीके से बेहतरीन तरीके से यूज किया गया है इस गाने में, बहुत ही अच्छे तरीके से डाला गया है। स्ट्रिंग सेक्शन बहुत ही बढ़िया तरीके से यूज किया है, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट सुनने को मिले, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स, झनकार से लेकर संतूर से लेकर बेस लाइन, यू नो। और बेसलाइन मेरे ख्याल से इस गाने में मोहिनी दे ने कंपोज करी होगी या प्ले करी होगी, क्योंकि शी इज इन ए आर रहमान बैंड। एक तो ये लोग इंस्ट्रूमेंटलिस्ट का क्रेडिट नहीं देते, मेरे को समझ नहीं आता क्यों। खैर छोड़ो, दिस सॉन्ग टेक्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टर्न इन द मिडल, बहुत ही एक ड्रामेटिक टर्न ले लेता है गाना, बहुत ही ड्रामेटिक ऑर्केस्ट्रा बजने लगता है इस गाने में, और वहां से ये गाना ट्रांजिशन होता है हिंदुस्तानी क्लासिकल में। ये एक बहुत ही स्मूथ ट्रांजिशन हुआ है वेस्टर्न क्लासिकल से हिंदुस्तानी क्लासिकल की तरफ, इट्स सो ब्यूटीफुली डन। और ये ऐसा एक्सपेरिमेंटल काम एआर रहमान साहब से हम फिर से एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मैं न जाने क्या क्या एक्सपेक्ट कर डालूंगा आज एआर रहमान साहब से।
क्योंकि ऐसा ट्रांजिशन करना, सीमलेस ट्रांजिशन, ये कोई आसान काम नहीं है भाई, दो बिल्कुल ही अलग टाइप के म्यूजिक को जोड़ना। सो या वेरी वेल डन देयर। और रही बात सिंगर्स की, तो श्रेया घोषाल ने गाया है गाना और साथ में गाया है हरिचरण शेषाद्री ने। श्रेया जी ने तो गाया ही गाया है, फाड़ू गाती ही है वो हमेशा की तरह, बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्रेस किया है, निभाया है गाने को। साथ ही साथ हरिचरण जी ने भी उतना ही सुंदर और उतना ही अच्छी तरीके से निभाया है इस गाने को। सो बोथ द सिंगर्स हैव डन अ ग्रेट जॉब, और मैं दुआ करता हूँ कि काश ऐसे सिंगर्स को और गाने मिले मेन स्ट्रीम इंडस्ट्री में। नेक्स्ट सॉन्ग इन द एल्बम इज लिटिल लिटिल। वेल आई वोंट टॉक मच अबाउट दिस सॉन्ग, क्योंकि उतना कोई खास गाना नहीं लगा मुझे, पहला गाना है शायद ये, एंड दिस इज द ओनली सॉन्ग ऑफ दिस एल्बम दैट इज अ लिटिल एवरेज। मस्ती भरा गाना है, मतलब रोमांटिक सॉन्ग है और मस्ती के रूप में उसको व्यक्त किया है। यू नो, आजकल के जमाने में ऐसा गाना सुन के थोड़ा अच्छा भी लगा, कि क्योंकि आजकल के जमाने में रोमांटिक सॉन्ग्स के नाम पे हमें वही लस्टफुल, सिडक्टिव, स्लो टेम्पो वाले गाने सुनने को मिलते हैं, जिसमें मतलब बस न जाने क्या ही हो जाए बीच में गाने में, इतनी स्टीम बन जाती है उन गानों में। तो ऐसा गाना सुनने में, क्यूट सा गाना सुनने में थोड़ा अच्छा लगा, राहत मिली कि चलो ये गाने भी बन रहे हैं। And talking about the composition, ठीक ठाक ही है, मतलब कुछ ज्यादा खास नहीं है, अच्छी है composition और बुरी भी नहीं है, ठीक ही है। अरेंजमेंट अगेन ग्रेट अरेंजमेंट, लास्ट में ये गाना थोड़ा टेम्पो पकड़ लेता है, थोड़ा टेम्पो इसका फास्ट हो जाता है, तो वहाँ पे थोड़ी एनर्जी आ जाती है। और percussions में लास्ट में कुछ अलग ही चल रहा है, तीन तरीके की हमें बीट सुनने को मिल रही है और उन बीट्स में हमें अलग तरीके के इंस्ट्रूमेंट सुनने को मिल रहे हैं। क्या हो रहा है भाई, क्या हो रहा है? सो इट्स अ नाइस सॉन्ग, संग बाय धनुष एंड हीरल विरादिया। अगला गाना है तुम्हें मोहब्बत है, एंड आई नो आप लोग इस गाने का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। तेरी आंखों में झांकने वाला, बड़ा मास्टरपीस दिस सॉन्ग इज यार, कॉम्पोजिशन बहुत ही गर्दा, ये है गर्दा कॉम्पोजिशन, तो वेरी डिटेल्ड कॉम्पोजिशन, बहुत ही कॉम्प्लेक्स कॉम्पोजिशन है, माइनर्स मेजर सब जगह मिक्स है। और अगेन डेफिनेटली दिस सॉन्ग इज ऑल्सो बेस्ड ऑन सम राग, ऑब्वियसली बहुत क्लासिकल टच दिया गया है इस गाने में। एंड सिंगिंग की अगर बात करें, अरिजीत सिंह हैज डन अ फैबुलस जॉब वाइल सिंगिंग दिस सॉन्ग। एक एक मतलब नोट को अगर देखा जाए, सिंगिंग की अगर देखा जाए, मैं सिर्फ टेक्निकलिटीज की बात कर रहा हूँ, सिर्फ टेक्निकलिटीज की, डेफिनेटली ही हैज डन अ वेरी गुड जॉब। तेरी बातों में बोलने वाला, बाल रातों में खोलने वाला। बट ऑनेस्टली अगेन आई एम बींग ऑनेस्ट विद माई सेल्फ, सिर्फ एक चीज की वजह से अरिजीत सिंह की सिंगिंग से थोड़ा कट ऑफ हो जाता हूँ। थोड़ी सी जो एक चीज मेरे को थ्रो ऑफ कर देती है अरिजीत सिंह की सिंगिंग में, वो ये है कि वो जिस तरीके से वर्ड्स को प्रोनाउंस करते हैं, जिस तरीके से एक थोड़ी सी एक लेजीनेस सी आ जाती है वर्ड्स के प्रोनाउंसिएशन में, वॉइस का थ्रो जो होता है वो थोड़ा मेरे को पुट ऑफ कर देता है, थ्रो ऑफ कर देता है। गर्म सांसों में घुल रहा है जो आके प्यार करता है। So that is the only reason that I am not able to connect to Arijit Singh's singing. Otherwise, no offense, he is definitely a great singer. सुर की मैं बात कर ही नहीं रहा हूँ, मैं सुरों की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, सिर्फ सिंगिंग में सिर्फ सुर ही नहीं होते हैं, बहुत चीज़ें होती हैं। So why should I not go for the perfection if perfection is available in the industry? और हर बार वीडियो को नई ऑडियंस सुनती है तो उन्हें लगता है कि मैं हेटर हूँ, तो भाई यही है रीजन। अब आपको जो निष्कर्ष निकालना है इसका वो निकालिए। एंड टॉकिंग अबाउट द प्रोडक्शन, बहुत ही सटल प्रोडक्शन है, बहुत ही एक ज्यादा कुछ ज्यादा इंस्ट्रूमेंट्स यूज नहीं हुए हैं इस गाने में, जो कि रिक्वायर्ड भी है इस गाने में, जो इस गाने की हॉन्टिंग कॉम्पोजिशन है। एक सिर्फ एक गिटार यूज हुआ है, वो रिदम दे रहा है गाने को, और उसके साथ साथ स्ट्रिंग सेक्शन सपोर्ट दे रहा है उसको, गिटार को। जितना चाहिए था उतना दिया गया है। एंड या लिरिक्स बॉस, फाड़ो लिरिक्स, बहुत ही सुंदर लिरिक्स लिखे हैं इरशाद कामिल जी ने, बहुत ही सुंदर गाना बनाया है, ओवरऑल अ मास्टरपीस। अगला गाना इस एल्बम में रेत जरा सी, जी हाँ बिल्कुल जरा सी। द सॉन्ग इज सो मच लाइक ए आर रहमान्स टाइप, इतना उनके स्टाइल का गाना है ये। इस गाने का एक एक नोट चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि हमें ए आर रहमान ने बनाया है। कॉम्पोजिशन बहुत ही अच्छी है और ब्यूटीफुली अरेंज किया है अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स को, और लिरिक्स को बहुत ही अच्छे तरीके से फिट बैठाया गया है। इस गाने का एक्चुअली हाईलाइट जो है वो कॉम्पोजिशन होना चाहिए मेरे हिसाब से। ए आर रहमान साहब की कॉम्पोजिशन होती ही इंटरेस्टिंग है, अगर आप स्टार्टिंग में उनसे आप रिलेट नहीं कर पाते हैं, बट कुछ देर बाद सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि यार कुछ अलग किया है बंदे ने। हो जैसे रेत जरा सी, रोज मोहब्बत
वक्त पड़ता है। And this interesting composition is supported by a very good orchestral production. Or the singers are Arijit Singh and Shasha Tirupati, and they both have done a beautiful job singing this. और इस गाने में एक बहुत सुंदर chorus section भी आता है जो इस गाने को uplift कर देता है, इस गाने को और ज़्यादा मेहनत दिखा देता है इस गाने की। तूफान सी कुड़ी इज द नेक्स्ट सॉन्ग। टू बी ऑनेस्ट, जब मैंने इस गाने के सिंगर का नाम पढ़ा जो कि था राशिद अली, एंड आई होप यू गाइस नो हु राशिद अली इज, कभी कभी आदिति, आई एक्सपेक्टेड कि ये कॉम्पोजिशन कोई बहुत ही वैसी सी कॉम्पोजिशन होगी जैसी इन गानों में थी, कभी कभी आदिति, कहीं तो होगी वो, और वो कौन सा गाना था, रांझणा मूवी का एक बहुत ही सुंदर गाना था, नजर लाए गाने की तरह, क्योंकि ए आर रहमान हमेशा इनको सुंदर गाने देते हैं, सुंदर से मतलब थोड़े डीप इमोशनल सॉन्ग्स होते हैं जो, और मैं एक्साइटेड था एक्चुअली इस गाने को सुनने के लिए, बट आई गॉट स्लाइटली डिसअपॉइंटेड क्योंकि ये वैसा गाना नहीं था। गाना बुरा भी नहीं है, गाना कोई खराब नहीं है, बट ये राशिद अली टाइप का गाना नहीं है। आई एक्सपेक्टेड अ वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग, ये थोड़ा पैपी सॉन्ग निकला। खैर उन्होंने गाया अच्छा ही है, गाया कोई खराब नहीं है, कैची सॉन्ग है, अच्छी अरेंजमेंट है, अच्छी म्यूजिकल अरेंजमेंट है, कुछ बहुत ही अच्छे अच्छे साउंड एलिमेंट सुनाई दिए हैं इस गाने में, अच्छे लिरिक्स हैं, वही है कि ये गाना अच्छा है बट मैं इसे अपनी प्लेलिस्ट में रखूंगा। और प्लेलिस्ट से याद आया, आप लोग कह रहे हैं कि आप मेरी प्लेलिस्ट सुनना चाहते हैं, मेरी प्लेलिस्ट सुनना चाहते हैं, तो दोस्तों मैं अपना जो प्लेलिस्ट है, मेरी कोई ऑनलाइन प्लेलिस्ट नहीं है, मैं किसी भी म्यूजिक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म में अपनी प्लेलिस्ट नहीं रखता हूँ, आई डोंट नो, बहुत आलस आता है यार, कौन करे इतने गाने सेव। मेरी ऑफलाइन प्लेलिस्ट है और मैं ये कर रहा हूँ कि मैं उस ऑफलाइन प्लेलिस्ट को यूट्यूब में डालने की कोशिश कर रहा हूँ, यूट्यूब में वो गाने अगर मुझे मिलते हैं तो मैं उनको एक प्लेलिस्ट में डालूंगा, और अभी मैंने वो थोड़ी सी बना ली है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा अपनी प्लेलिस्ट का, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन लिसन, और उसमें मैं थोड़े थोड़े धीरे धीरे करके गाने ऐड करता जाऊंगा। तो या ये तो हुई प्लेलिस्ट की बात, और यहीं पे हमारा समाप्त होता है एल्बम का रिव्यू। इसमें कोई शक नहीं है मतलब कि ये एक बहुत ही अच्छी एल्बम है, बहुत ही अच्छी एल्बम है एज एक्सपेक्टेड फ्रॉम ए आर रहमान टाइप की ही एल्बम है, बट ऑल्सो ए आर रहमान साहब का जो लास्ट मेरे हिसाब से जो बेस्ट एल्बम रही है वो रॉक स्टार और जाने तू या जाने ना ही रही है मेरे हिसाब से। रांझणा वॉज ऑल्सो गुड, जोधा अकबर वॉज ऑल्सो ब्यूटीफुल, बट अगेन वही है कि दिस एल्बम विल नॉट गो टू द टॉप ऑफ द लिस्ट ऑफ ए आर रहमान कॉम्पोजिशन अकॉर्डिंग टू मी, ये कहीं रहेगी, ये टॉप 10 के 10वें 8वें नंबर पे रहेगी मेरे हिसाब से। ओवरऑल देखा जाए तो बहुत ही सुंदर एल्बम है, इस साल के हिसाब से देखा जाए तो दिस शुड बी द एल्बम ऑफ द ईयर, बहुत ही सुंदर एल्बम है, और मेरे हिसाब से इस एल्बम को टक्कर अभी तक तो कोई नहीं दे पाया है। वो अलग बात है मैं कोई एल्बम भूल रहा हूँ क्योंकि मेरी याददाश्त बहुत अच्छी है। तो या दैट वॉज द रिव्यू गाइज। जज्बात नए से मिले हैं, जाने क्या सर ये हुआ है, एक आस मिली फिर मुझको जो कबूल किसी ने किया है।